गाइस, मोबाइल आज के टाइम में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है, जिसके कारण हम एक पल भी नहीं रह सकते। और इसी कारणों को देखते हुए अगर हमारा मोबाइल कभी हैंग या स्लो हो जाए तो उसकी भी परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। तो इन बातों को देखते हुए हम सोचते हैं हमारा मोबाइल हैंग हो गया है या स्लो हो गया है, एक बार मोबाइल वालों को चेक कराया जाए या फिर इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। मगर ऐसा नहीं है। अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे आपके मोबाइल में कोई ऐप है वो शायद आपके मोबाइल को स्लो कर रही है, या आपके मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू कोई स्पैम या फिर कोई वायरस आ गया है, उसके कारण भी आपका मोबाइल स्लो हो सकता है, या फिर मोबाइल अपडेट ना होने के कारण भी मोबाइल हैंग हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मोबाइल के कुछ ऐसे कारण बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका मोबाइल हैंग या स्लो हो जाता है। मोबाइल फोन किसी ऐप के कारण भी हैंग हो सकता है, मगर आपका मोबाइल कुछ पुराना होने के कारण भी हैंग तो नहीं होगा, मगर आपकी बैटरी बैकअप पे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पुराना होने के बाद मोबाइल हैंग होने लगता है। इसके पीछे बहुत सी एप्स ऐसी होती हैं जो आपके मोबाइल को स्लो या हैंग करने लगती हैं, जिसके कारण आप कभी भी अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप स्टार्टिंग में तो 20 MB की दिखाता है, 20 से 30 MB ये ऐप पर एक स्टोरेज टाइम होता है। मगर जब वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप देखते हैं, जब उस पर आप वर्क करने लगते हैं और वर्क करने के साथ साथ जैसे उसका टाइम बढ़ता रहता है, तो उस कंडीशन में जब 20 या 40 Mbps की ऐप आपने डाउनलोड की थी तो वो 20 या 40 MB की ऐप 400-500 MB तक स्टोरेज ले लेती है। तो इसी कारण को देखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी ऐप है जो आपके मोबाइल को हैंग या फिर आपके मोबाइल को स्लो कर रही है। तो चलिए हम आपको पहले ये बता देते हैं कि आपकी ये मोबाइल की ऐप 400-500 MB कैसे घेर लेती है। मोबाइल हैंग या स्लो होने के जो कारण है उनसे आप अपने मोबाइल की कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो स्टेप कौन से हैं जो ऐप आपके मोबाइल को स्लो कर रही है। गाइस, मोबाइल को हैंग और स्लो होने से आप इस तरह भी छुटकारा पा सकते हैं कि जो आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उनको आप या तो लाइट वर्जन में इंस्टॉल कीजिए या फिर वही ऐप अपने मोबाइल में रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है। इससे आपकी फ़ोन की स्पीड तो सही रहेगी और साथ ही साथ आपका फ़ोन भी कभी हैंग नहीं होगा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी देखा जाए तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये ऐसी ऐप है तो ऐप छोटी, ये काफ़ी टाइम बाद यूज करते करते ये भी बहुत सारा डेटा घेर लेती हैं। तो इसलिए आप चाहें तो इनकी लाइट ऐप भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको इनका हैवी वर्जन ही लेना हो। जब प्ले स्टोर से आप कोई ऐप यूज करते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक की ऐप यूज कर रहे हैं, तो आप फेसबुक का लाइट वर्जन यूज कीजिए, उससे आपका स्पेस भी कम घिरेगा और साथ ही साथ आपका फोन भी कम हैंग होगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें।